तो इसका जैसे ही हमने चाबी ऑन किया और जब हम सेल्फ लगा रहे हैं तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, और अगर क्लच दबा के हम सेल्फ लगाते हैं तो हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। चलिए सेल्फ लगाते हैं। ये देखें हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है क्लच दबाते हुए, और इसका जो प्रॉब्लम है वो अंत तक वीडियो में ज़रूर देखें कहाँ से दिक्कत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज की चैनल में, और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि स्प्लेंडर एचएफ डीलक्स BS4 हमारे पास बाइक खड़ी हुई है, देख पा रहे हैं सामने। तो आज इसमें सबसे पहले चलिए हम प्रॉब्लम दिखा देते हैं क्या है। तो जैसे हमने इसका चाबी ऑन किया और इसमें जो सेल्फ लेना चाहिए प्रॉपर वो नहीं ले रहा है, न्यूट्रल में भी ये सेल्फ फिर भी सेल्फ नहीं काम कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाएंगे आप लोगों को आज की इस वीडियो में, शायद आपने कभी फेस की हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने चाबी इसकी ऑन की और अभी देखें ये यहाँ पे इसके निकाले थे, अभी ये हम इसमें लगा दिए, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब न्यूट्रल होती है तो इसका सेल्फ काम नहीं करता है, और जब हम इसका क्लच प्रेस करके सेल्फ लगाते हैं तो ये बाइक हमारी स्टार्ट हो जाती है। चलिए क्लच दबाइए इसका, और देख के यहाँ पर क्लच दबाया उधर और यहाँ पर सेल्फ, ये देखें बाइक हमारी स्टार्ट हो गई। तो इसमें इतना ही प्रॉब्लम है कि क्लच छोड़िए इसका, और ये देखिए अब नहीं हो रही है। तो जो हमारे न्यूट्रल यहाँ इसमें एक न्यूट्रल डिबिया लगती है वो हमें नहीं कनेक्ट करके बता पा रही है कि हमारी बाइक न्यूट्रल है या नहीं न्यूट्रल है। तो लाइव प्रूफ आप लोगों को बताएंगे, बने रहे हमारे साथ वीडियो में, और चलिए दिखाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमारी जब न्यूट्रल बाइक होती है तो सेल्फ हमारा काम नहीं करता, और जब क्लच प्रेस करते हैं तो सेल्फ काम करता है। तो आप लोग सोच रहे हो क्या जो यहाँ पर क्लच स्विच लगा होता है ये भी दिक्कत कर रहा है, तो इसके हम ये निकाल भी लेते हैं फिर भी सेल्फ लगाते हैं तो सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो इसमें चलिए करेक्टली बताते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, और वीडियो में दिखाते हैं लाइव प्रूफ, बने रहे हमारे साथ, ज़रा सा भी स्किप नहीं करेंगे वीडियो को। तो इसमें एक न्यूट्रल डिबिया लगती है इस साइड पैनल में, जो कि डिटेक्ट करके बताती है हमारी बाइक न्यूट्रल है या नहीं न्यूट्रल है। तो चलिए उसके पास ले चलते हैं, और वहीं से प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये साइड वाला इसका पैनल ओपन करते हैं, इसी तरफ लगा होता है बैटरी के ऊपर, देखते हैं वहीं से कोई फॉल्ट तो नहीं है। बाकी चलिए यहाँ पे एक 10 mm का नट लगा होता है, स्क्रू ड्राइवर से भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो इसे ओपन कर लेते हैं इस पैनल को, फिर दिखाते हैं। तो इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको ओपन कर लें। अभी शोरूम सर्विस सेंटर में नहीं है तो इसलिए बाहरी बाइक बना रहे हैं, तो इस तरह से सिंगल हैंड है, थोड़ा टप लगा है, यहाँ पर रखा हमने इसका पैनल, यहाँ पर स्क्रू लगा होता है एक 10 mm का, और ये हमारी लगी हुई है न्यूट्रल डिबिया। ये पहले से इसमें कितने कट लगे हुए हैं देख पा रहे हैं, और इसका जो एक तार है वो यहाँ पर टूटा पड़ा हुआ है। तो हम बताए थे इसका जो एक तार ही होगा वो भी टूट चुका होगा, यहाँ से टूट गया है, ये देखें दिख रहा होगा आप लोगों को, और 100% यहीं से प्रॉब्लम है, जो कि न्यूट्रल वाला जो तार है वो यहीं से आके फिर इसमें से फिर जाता है क्लच स्विच में। आप देख भी सकते हैं, इसका कलर कोड भी मिला सकते हैं, ये यहाँ पर देखें ग्रीन प्लस रेड, और ये भी ग्रीन प्लस रेड, जो कि वहाँ पर जाता है आगे क्लच स्विच में। तो चलिए सबसे पहले इसको कट करके हम इसमें जोड़ लेते हैं, ताकि जो हमारी सेल्फ की डिबिया स्विच की डिबिया है न्यूट्रल स्विच की वो काम कर रही है या नहीं कर रही है वो भी पता करते हैं। तो इसमें कट लगा के जोड़ लेते हैं, अभी इसका अगर ज़्यादा उसका करेंगे तो इसमें वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं फिर कट लगा के फिर इसमें जोड़ते हैं फिर दिखाते हैं। और जो सबसे मेन काम है इस डिबिया को निकालना, तो देखें यहाँ पर एक पुश करने वाला बना है, तो इसको इस तरह से बाहर की तरफ पुश करेंगे और यहाँ से इसको खींच लेंगे। ये निकलती नहीं है डिबिया, तो थोड़ा सा टाइट लगी है, कुछ इस तरह से ये डिबिया लगती है, इसको न्यूट्रल स्विच की डिबिया बोलते हैं। देखिए पहले से इसमें तार कटा हुआ लगा था, ये पहले से ही इसका मतलब टूटा हुआ था। तो इसमें हम एक और तार जोड़ के इधर से लगाते हैं फिर दिखाते हैं लाइव प्रूफ आप लोगों को। तो इस तार को कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे, सिंगल हैंड है, थोड़ा टप पड़ रहा है, और इस तरह से इसको हम बैठा देंगे ताकि हमारी जो वायरिंग है वो इसको चेंज भी ना करना पड़े और इस फिट हो जाए। तो चलिए इसमें हम फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम तार कनेक्ट कर लिए हैं और इसको भी लगा लिए हैं। अब चलिए इस बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका चाबी स्विच ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे देखें ये जो निकाले थे ये भी लगा देते हैं यहाँ पे, ये दोनों प्रोब, और गियर में भी स्टार्ट करके दिखाएंगे आप लोगों को। सिंगल हैंड है, थोड़ा टफ पड़ रहा है, अब चलिए लगा लेते हैं। अब बिना भी क्लच लिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, ये देख रहे हैं अब बिना क्लच लिए हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है। जो हमारा फॉल्ट था वो यहीं से था, और ये जो इसका तार था वो टूट चुका था, इसलिए हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो आज की इस वीडियो में इतना बताना था कि अगर बाइक हमारी इस तरह से प्रॉब्लम कर रही है तो क्या उसका फॉल्ट हो सकता है। तो यही जो तार था वही टूटा हुआ था,
तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में, अंत तक जरूर देखा करें। और मिस्टर सोहेल मैकेनिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिस्टर सोहेल मैकेनिक। बाकी सब ये जो वायरिंग इसकी दिख रही है, ये सब इसमें लाइट फिटिंग है इसलिए आए। चलिए दिखा देते हैं, ये देखें उजाला है तो दिख नहीं रहा है, ऑन करके दिखा देते हैं, ये देखें। बाकी ये सारी लाइट है इसकी फिटिंग है इसलिए इसकी इतनी वायरिंग हुई है। तो बने रहें हमारे साथ मिस्टर सोहेल मैकेनिक, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह की वीडियो आगे मिलेगी, और अगर देखना होगा तो कमेंट करना ना भूलें।